Good morning, dear friends, and praise the Lord for this new day. सुप्रभात मेरे मित्रों और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस नए दिन के लिए. This is another day to experience and enjoy the favor of the Lord if we walk with Him in the Spirit. और ये एक और नया दिन है जब हम परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं अगर हम उसके अनुसार चलें. So let us listen to the voice of God. और आइए हम परमेश्वर की वाणी को सुनें. Before we set out to do what we need to do. इससे पहले कि हम इस दिन की शुरुआत करें. I close the meditation with this sentence. और मैंने उस मनन की समाप्ति करी इस वाक्य के साथ. Every human being ever born in this world is defeated by devil's evil power. हर एक मानव जिसका जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है वो शैतान की शक्ति से हराया गया है. And I hope you remember what I spoke last. और मुझे पूरी आशा है कि आपको याद होगा कि मैंने हमारे पिछले मनन में हमने आपसे क्या बात की. So you may have questions. तो हो सकता है आपके पास सवाल हो. Even every single human being. आप पूछ सकते हैं हर एक मनुष्य. Is a victim of the devil's power. वो शोक हर एक मनुष्य क्या शैतान के सामर्थ के भीतर है. And the answer is yes, my friend. और इसका उत्तर है हाँ. In the Old Testament, there were some very great men of God. पुराने नियम में परमेश्वर के बहुत महान लोग या दास मौजूद थे. Abraham. इब्राहिम. Isaac. इसाक. Jacob. याकूब. Then the patriarchs. और उसके पश्चात जो विश्वास के पिता ठहरे. Prophets. भविष्यवक्ता. Some other great men like David. और बड़े महान मनुष्य जैसे दाऊद. But every one of them sinned. लेकिन उनमें से हर एक ने पाप किया. I am talking about sin they committed after the call of God upon their life. मैं बात कर रहा हूँ उस पाप के विषय में जो इन लोगों ने तब किए जब उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को ग्रहण किया और पहचाना. Now think of man. और मानव के विषय में सोचिए. Man even when he was perfectly made. और जबकि मनुष्य को परमेश्वर ने सिद्ध रूप से बनाया. Adam was a perfect human being. और आदम एक सिद्ध मनुष्य था. Made in the image and likeness of God. परमेश्वर ने अपने सदृश उसे बनाया. But ultimately, लेकिन अंत में, he was defeated by the devil. शैतान ने उसे हरा दिया. Can you imagine? क्या आप इस बात को सोच सकते हैं? He was living in a perfect place. वो तो एक सिद्ध स्थान पर रह रहा था. As a perfect man. और एक सिद्ध मनुष्य के रूप में. And he was defeated by the devil. और शैतान ने उसे हरा दिया. And the devil is so powerful. वो शैतान इतना सामर्थी है. He dominates and controls. वो नियंत्रण करता है हर एक बात के ऊपर और हर एक बात के ऊपर अपना राज्य करना चाहता. How? कैसे? Through the mind. मन के द्वारा. Look at today. आज के दिन देखिए. Even believers. यहाँ तक कि विश्वासी भी. And churches. और कलीसियाएं भी. That it comes under the attack of the devil. वो भी शत्रु या शैतान के आक्रमण के अधीन आते हैं. How does the devil do it? और ये शैतान कैसे करता है? He hates God. वो परमेश्वर से घृणा करता है. So he persuades human race to hate him. और इसलिए वो मानव जाति को ये प्रोत्साहित करता है या ये भटकाता है कि वो परमेश्वर से घृणा करे. That is what he does. और ऐसा ही वो करता है. He controls the mind. वो मनो को नियंत्रित करता है. And thus he controls the desires of man. और इसके द्वारा वो मानव के जो इच्छा है उन्हें पर अपना नियंत्रण को रखता है. He controls our action. वो हमारे कार्यों को नियंत्रित करता है. Our will. हमारी इच्छा शक्ति को. And he, the devil, you know, rebels against God. और ये शैतान के विरुद्ध परमेश्वर के विरुद्ध शैतान विद्रोह करता है. And so he wants everyone else in the human race to rebel against God. और इसीलिए वो ये चाहता है कि पूरी मानव जाति भी परमेश्वर के विरुद्ध विरोध करे. You know, in 1 John chapter 3 verse 8. और पहला यहोन्ना की पत्री तीसरा अध्याय चौथा वचन आठवां वचन. There is this word. एक वचन इस प्रकार है. He who commits sin is from the devil. कि वो जो पाप करता है वो शैतान से है. Because the devil sins from the beginning. क्योंकि शैतान तो शुरुआत से ही पाप करता चला आ रहा है.
Now listen to these words very carefully. और इन वचनों को ध्यानपूर्वक सुनिए. For this purpose, इस उद्देश्य के लिए, the Son of God appeared. परमेश्वर का पुत्र का आगमन हुआ. That he might destroy the works of the devil. ताकि वो शैतान के कार्यों का विनाश कर सके. So what is the one and only hope for mankind? और इसलिए मानव जाति के पास सिर्फ एकमात्र आशा क्या है? Now, I as a man. मैं भी एक मनुष्य होते हुए, being, एक मानव होते हुए, I am no match for the devil's power. मैं शैतान के सामर्थ के सामने अगर उसकी तुलना की जाए तो कोई तुलना नहीं. The devil can easily put me down. और जो शैतान है बड़ी आसानी से मुझे गिरा सकता है. But I have one hope. लेकिन मेरे पास एक आशा है. An unfailing hope. एक ऐसी आशा जो कभी भी समाप्त ना होगी. What is my hope? और मेरी आशा क्या है? The Son of God. और वो है परमेश्वर का पुत्र. Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह. Has come to fight the devil. कि वो आया कि वो शैतान से लड़े. For whom? किसके लिए? For my behalf. मेरे खातिर. And that is the only source and secret of overcoming the devil. और यही एक स्रोत है और वो गुप्त बात है जिसके द्वारा आप शैतान को हरा सकते हैं और उस पर विजयी पा सकते हैं. एंड द फाइट बिटवीन गॉड एंड सैतान बिगन द मोमेंट आवर लॉर्ड वाज बोर्न. और वो लड़ाई वो तब से शुरू हुई जब हमारे परमेश्वर और शैतान के बीच जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ. दैट मींस इसका मतलब है, यू नो, एज फार एज we are concerned, जहां तक हमारी बात की जाए, but according to God's plan, और परमेश्वर के योजना अनुसार, the God has already seen this struggle of mankind against evil forces. कि परमेश्वर ने मानव जाति के कि ये लड़ाई इस समस्या को पहले से ही देख लिया है. Even before he ever created anything. और इससे पहले कि वो किसी बात की रचना को करे. In the eternity past. उसने अनंत में ही इस बात को देख लिया. Before he ever made a star. इससे पहले कि वो किसी तारे की रचना करे. Or any other creation. या किसी और बात की सृष्टि करे. He has seen man's struggle. उसने मानव जाति के समस्या को देखा है. And God planned his salvation, his overcoming strategy. In eternity past. और परमेश्वर ने अपने उद्धार का मार्ग उस अनंत में ही निर्धारित कर दिया. But as far as we are concerned, जहां तक हमारी बात करें, let us say, you know, here on earth, और इस पृथ्वी पर, you know, the battle began in heaven, उस लड़ाई की शुरुआत स्वर्ग में हुई, but ultimately it was transferred to the earth. और लेकिन इसका जो है स्थानांतरण हुआ इस पृथ्वी पर, the Son of God, उस परमेश्वर के पुत्र के द्वारा, Jesus Christ has come, यीशु मसीह के आगमन के. To fight the devil. कि वो शैतान से लड़े. So that's what 1 John chapter 3 verse 8 और इसी बात को पहला यहुन्ना की पत्री तीसरा अध्याय आठवें वचन में लिखा गया है. The Son of God came. जब परमेश्वर के पुत्र का आगमन हुआ. And appeared that he might destroy the works of the devil. वो इसलिए आया कि वो शैतान के कार्यों का विनाश कर सके. And this fight continued through. The life of Jesus here on earth. और ये लड़ाई प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल भर चलती रही इस पृथ्वी पर. First, you see him 40 days in the wilderness. उसके बाद आप देखते हैं किस प्रकार से 40 दिन और 40 रातें प्रभु यीशु मसीह उस जंगल में था. What do we see there? वहाँ पर हम क्या देखते हैं? The devil. शैतान. Trying to get him down, get Jesus, the Son of God, down. वहां पे देखते हैं किस प्रकार से वो शैतान परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को नीचे गिराना चाहता है. You know, the devil even promised, was telling Jesus, the Son of God. और यहां तक कि आपको पता है शैतान ने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को ये देने का भी वादा कर दिया. In a moment of vision. और उस दर्शन के क्षण भर में the devil brought all the nations of the world with all its glory before Jesus. शैतान पूरे राज्यों और उन राष्ट्रों को उनकी पूरी महिमा के साथ प्रभु यीशु के लिए ले आया. And the splendor of these nations. और उसकी अद्भुतता और महानता में. And then the devil told Jesus. और तब शैतान ने यीशु से कहा, you see all this?
क्या तुम इन सारी बातों को देखते हो? I will give you the whole thing. मैं ये सारी बातें तुम्हें दे दूंगा. You have come down to earth in order to take the earth back, you know. तुम इस पृथ्वी पर आए हो ताकि तुम इस पृथ्वी को वापस जीत लो. By winning humanity on your side. ताकि तुम इस मानवता को अपनी ओर ले आओ. I will give all these to you. मैं ये सारा तुम्हें दूंगा. You know, the devil can offer my friends anything you want. मेरे मित्रों, ये शैतान आपको कुछ भी दे सकता है जो आप चाहते हैं. प्लीज रिमेंबर दैट. कृपया इस बात को याद रखिए. दैट्स हाउ मेनी पीपल आर लूर्ड अवे फ्रॉम अ क्लीन डीसेंट लाइफ इनटू अ डीमोनिक लाइफ. और इसी रीति से कई सारे लोग एक अच्छे और पवित्र जीवन से एक दुष्ट और दुष्टात्मा ग्रस्तित जीवन की ओर बढ़ते हैं. So during those 40 days of fasting and prayer, 39 दिनों और रात प्रार्थना और उपवास के दौरान, he was tempted. उस यीशु की परीक्षा ली. And the devil said, I will give all these. और ये शैतान ने कहा, ये सारा मैं तुम्हें दूंगा. If you will fall down and worship me. अगर तू दंडवत होकर मेरी आराधना करे. That's all that the devil needed. और यही सिर्फ शैतान चाहता था. See how he got after even the Son of God. The creator who made Lucifer. और देखिए कैसे शैतान परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा, जो सृष्टिकर्ता को, जिसने उसे उस शैतान की रचना भी करी. And in the wilderness, और उस जंगल में, Jesus won over the devil. परमेश्वर यीशु ने उस शैतान के ऊपर विजय पाया. But the fight continued. लेकिन वो लड़ाई अभी भी चल रही है. And Jesus met cases of demon-possessed people. और यीशु की मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जो दुष्ट आत्मा ग्रसित है. And then sickness and और रोगों और बीमारियों और पापों से ग्रस्त है. Sin and evil. और बुराई से ग्रस्त है. He is fighting the battle, Jesus. और यीशु इन लड़ाइयों को लड़ रहा है. To release men and women from sin's bondage. ताकि वो मानव को इस पाप के बोझ तले हटा दे. All yes, he went about doing good. और वो गया अच्छी बातों को करते हुए. Wherever he faced demon possessed people, he cast the demons and set people free. और जहां कहीं भी उसकी मुलाकात उन दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों से हुई, उन्होंने यीशु ने उन दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला और उन लोगों को आजाद किया. He was very particular about freeing people from demon powers. और वो बड़ा इस बात पर एकाग्रित था कि कैसे लोगों को दुष्ट आत्माओं के सामर्थ्य शक्ति से आजाद करना. And then he healed all manner of sickness. उसने हर प्रकार के रोगों को चंगा किया. And set people free from their sinful life. और लोगों को उनके पाप ग्रसित जीवन से भी आजाद किया. And he is still fighting. और वो अभी भी लड़ रहा है. And let us see what happened at the end of this fight. और आइए देखिए इस लड़ाई के अंत में क्या होगा. This we shall consider in our next meditation. इस बात को हम अपने अपने अगले मनन में जारी रखें. प्लीज रिमेंबर दिस. कृपया करके याद रखिए इस बात को. Our subject is the triumph of the cross. हमारा शीर्षक या विषय है क्रूस की विजय. The text was from Colossians chapter 2. और जो वचन था कुलोसियों की पत्री दूसरा अध्याय 13वें वचन से लेकर 15वें वचन तक. And please keep reading this verse. और कृपया करके वचन के इस भाग को पढ़ते रहिए. You should read the whole chapter of Colossians. और कुलोसियों के पूरे अध्याय को आप दूसरे अध्याय को आप पढ़िए. And may the Lord bless you. और होने दे परमेश्वर आप सबको आशीष दे. The devil's power is formidable. और याद रखिए शैतान का जो शक्ति है उसे आप बच नहीं सकते. But if you have acknowledged Christ as your Lord and Savior, लेकिन अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, in you, और वो आपके भीतर वास you करता have है, that confidence, तब आपके पास वो हियाव और भरोसा है. Then you don't need to be afraid. तब आपको शैतान से भय खाने की डरने की आवश्यकता नहीं. That's why Jesus always told people, do not fear. और इसीलिए यीशु हमेशा लोगों से कहता सर डरो मत. Do not be afraid. डरो मत. And the same words he speaks to you today. और उन्हीं शब्दों को वो आज भी दोहराता है. I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ. Hallelujah. Hallelujah. And let us have that confidence. होने दे ये भरोसा और हियाव हमारे पास. So let us continue the meditation on this next Tuesday. और हम अपने अगले मंगलवार को इस मनन को जारी रखेंगे. And God's blessing be upon you and enjoy a victorious life.
by the indwelling presence of the Holy Spirit in your life. परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके ऊपर हो और आप एक विजयवंत जीवन को जिए, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अपने भीतर रखते हो। Blessed Holy Spirit. आशीष धन्य पवित्र आत्मा। We need you. हमें तेरा आवश्यकता है। Without you we are nothing. तेरे बिना हम कुछ भी नहीं। But with you. लेकिन तेरे संग। We too can be more than conquerors. तो हम भी उन जयवंतों से बढ़कर हो सकते हैं। What a way Jesus set us free and he loves us. And he keeps us free. किसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजाद किया और वो हमसे प्रेम करता है और हमें स्वतंत्र बनाए हुए हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Amen. Amen. God's blessing be upon you. परमेश्वर का आशीष आप सबके ऊपर हो। At the end of this day, इस दिन के अंत तक, you should have reason to shout victory. आपके पास कारण होने चाहिए कि आप चिल्लाकर विजय की घोषणा करने पाएं। Amen.